नमस्कार, आज हम इस वीडियो में बताएंगे सिंपल ट्राउज़र की कटिंग करना। सिंपल ट्राउज़र की कटिंग हम किस प्रकार करते हैं, तो इसके लिए हमने 2 मीटर का कपड़ा लिया है और ये ऊनी कपड़ा है और इस पर हम कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए, हमने इसको एक बार फोल्ड किया है और यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे 10 इंच पे। लंबाई भी हमने फोल्ड किया है कपड़े को, तो देखिए हमने इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाया है। ऊपर साइड से 1/2 इंच पर लगाएँगे और यहाँ पे हमको जितनी लंबाई लेनी है, जगह कम कर होने की वजह से हम यहाँ पे खींच के दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए, हमने 37 इंच हमको लंबाई पूरी रखनी है टोटल, तो 37 इंच पे हमने निशान को लगाया है। और इस साइड से हम लेंगे 7 इंच और इसमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 7.5 इंच हो जाएगा। और यहाँ से हम 1/2 इंच कम कर देंगे और इसके बाद हम 1.5 इंच पर नीचे के लगाएंगे निशान मोहरे के लिए, जो हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने निशान को पूरा लगा लिया है। अब इसके बाद ऊपर साइड से हमने जो निशान लगाया है 10 इंच पे, इसको हम नीचे आसन रखेंगे। 13 इंच पे हम निशान लगाएंगे आसन का। यहाँ पे हम म्यानी नहीं लगाएंगे अलग से। तो देखिए, इस तरह से हमने 13 इंच पे दोनों साइड से लगा लिया है और यहाँ पे हम 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा लगाएंगे बढ़ा के। ऐसे करने से यहाँ पे म्यानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हमने 3 इंच पे लगाया है। और 1.5 इंच पे हम निशान इस तरह से खींचेंगे और इसको इस तरह से शेप दे देंगे गोलाई में हल्का सा। तो देखिए, हमने यहाँ पे इस तरह से इसको लगा लिया है निशान को। अब इस निशान को हम नीचे साइड में मिलाएंगे। तो देखिए, ऐसे इंच टेप को हम सीधा रखेंगे पहले और हल्का हल्का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने हल्का सा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद जो बराबर का है, इसको इस तरह से इंच टेप रखेंगे और यहाँ भी इस तरह से लाइन हल्का सा ड्रॉ करने के बाद इसमें हम गहराई देंगे। तो देखिए, हम गहराई यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और यहाँ तक नीचे तक हम मिला देंगे इसमें। यहाँ पर हल्का सा हम और निशान को डार्क कर लेते हैं। देखिए, इसलिए निशान को हम सही कर लेंगे। अब इसके बाद हमने इसको सही कर लिया है। तो देखिए, इस तरह से हम इसको जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे इसको हम काट लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने निशान को जो लगाया था बिल्कुल उस निशान पे काट लिया है। अब इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है और इसी को हम इस तरह से फैलाएंगे। देखिए, यहाँ से इसमें जगह है काफ़ी, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से फैलाया है हमने और यहाँ पर कपड़े को रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको कपड़े को ऊपर से रख के इसको फैला लेंगे अच्छे से। तो देखिए, इस तरह से सीधा हम कर लेंगे इसको, इसके नीचे सिकुड़न ना होने पाए। तो देखिए, हमने इस तरह से इसको फैला लिया है। अब इसके बाद हमने जो ऊपर से रखा है वहाँ पे हम 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाएंगे 13 इंच पर। अभी हमने जो यहाँ पे 1/2 इंच पर निशान लगाया था, उस निशान को इस तरह से हम तिरछा यहाँ पे मिला देंगे। देखिए, इस तरह से तिरछा में हम मिला लेंगे इसको। तो इस तरह से हमने मिलाया है और इस साइड से भी बराबर जितना हमने मोहरी का काटा था उतना हम वहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस साइड से हमने इस निशान को लगा लिया है। अब इसके बाद ट्राउज़र पैंट की कटिंग में हम जब भी कटिंग करते हैं तो जो फ्रंट साइड का है पार्ट उसको हम कम रखेंगे और जो बैक साइड का होता है पार्ट उसको हम ज़्यादा करके रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम जब मार्किंग करेंगे तो इस साइड से जो लंबाई का है यहाँ पे हम थोड़ा सा 1.5 इंच बढ़ा के रखेंगे और आसन की साइड का हम 3 इंच बढ़ाएँगे, क्योंकि जो हिप का होता है साइज वहाँ पर हमको थोड़ा सा लूज कपड़ा रखना पड़ता है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे।
तो यहाँ पे हम जो नीचे से निशान लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने 1.5 इंच रखा है मार्जिन। तो देखिए 1.5 इंच में हम यहाँ तक निशान को पूरा इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम सीधा निशान लगा के इस निशान को मिला देंगे। और यहाँ पे जब हम लगाएंगे निशान तो 3 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे देखिए ऊपर साइड से 2.5 इंच हम लेंगे जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इलास्टिक लगाने के लिए हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और इस साइड से हम 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे और 3 इंच पे इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए इस तरह से हमने निशान को लगाया है। अब इसके बाद बिल्कुल इसी निशान पे हम कटिंग करेंगे, जो फ्रंट का है उस पे हम नहीं कटिंग करेंगे, जो बैक साइड का हमने निशान लगाया है उस निशान पे हम इस कपड़े को कट करेंगे। तो ट्राउज़र पैंट की हम कटिंग जब भी करेंगे तो फ्रंट साइड का जो होता है उसको हम थोड़ा सा कम रखेंगे और बैक साइड का जो है उसको हमेशा हमको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। आप बिल्कुल दोनों अगर बराबर करके कटिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा के इसको कटिंग करना पड़ेगा। अगर कॉटन कपड़े पे आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लूज कपड़ा ही रखना पड़ेगा ट्राउज़र पैंट की कटिंग करने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने ट्राउज़र पैंट की जो बैक और फ्रंट दोनों साइड का हमने कटिंग कर लिया है। और इस साइड से हमने जो 1/2 इंच पे लगाया था हमने निशान, थोड़ा सा हल्का सा गहराई शेप देने के लिए, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है यहाँ पे भी हम इसको कट कर लेंगे, पूरा बराबर हो जाएगा कपड़ा। इस वीडियो में हमने बस इसकी कटिंग ही बताई है, अगर इसकी स्टिचिंग देखना है तो आप